पनावड़ा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकॉन बटन को पाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो अपडेट को। पाली सांसद और माननीय केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी साहब से आग्रह है कि वो आए। एक बार दोनों हाथ ऊपर और मुट्ठी जोरदार बंद और आवाज सबकी निकले, जोरदार जयकारा हो जाए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे विराजमान केंद्र सरकार में राज्य मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल, श्रीमान सी आर चौधरी साहब, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और राजस्थान सरकार में विराजमान सभी मंत्री परिषद के सदस्यगण और हमारे सभी सांसदगण और यहां पर विराजमान सभी हमारे विधायकगण, सांसदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और यहां अपार जनसमूह में विराजमान मातृशक्ति माताओं, बहनों, मित्रों और भाइयों और मीडिया के दोस्तों, आज पूरे राजस्थान में एक हम ऐसा दिवस देख रहे हैं जो राजस्थान को विकास के पथ पर कहीं आगे ले जाएगा। राजस्थान बनने के बाद में पहली बार इस तरह की इन्वेस्टमेंट, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जिसको हम कह सकते हैं, वो राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी की विजन से, सूझबूझ के और हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन से और हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के विजन से जो ये रिफाइनरी का काम हो रहा है। अभी जो कुछ लोग जो हैं इसका विरोध करने के लिए आधार जो बना रहे हैं, वो आप सभी को भली भांति ध्यान है, क्योंकि जिस हिसाब से राजस्थान के साथ एक धोखा हुआ, पहले 40,000 करोड़ के नीचे राजस्थान को वो लोग दे देते, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी इस मामले को नहीं उठाते और प्रधानमंत्री जी तक नहीं ले जाते, तो राजस्थान की आम जनता को 40,000 करोड़ का नुकसान होता। ये अमाउंट, ये रकम कोई कम नहीं है। इस रकम से हम पूरे राजस्थान को पानी, पीने का पानी दिया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने आनंद फानंद में चुनावों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी आधार के, बिना किसी जमीन की लीज के और बिना किसी कोई धरातल पे काम किए, सिर्फ चुनाव को ध्यान में रख कर करके जो घोषणा पहले की थी, उसने जनता ने उसको चुनाव में बिल्कुल नकार दिया और जनता को समझ में आ गया कि जनता के साथ ये धोखा है। और यही कारण है कि आपने 163 सीटों का हमारे मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दिया और उनको मजबूत किया। आज इस क्षेत्र में आने वाले समय में आर्थिक दृष्टि से पूरा पश्चिमी राजस्थान, पूरे राजस्थान की एक आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी बनेगी और यहाँ पर उद्योग के साथ साथ हमारे युवाओं को सीधा रोजगार और इनडायरेक्ट रोजगार जो है वो मिलेगा। और यही नहीं, इस एरिया की जो सड़कें हैं, पीने का पानी है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, उनका भी विकास होगा। तो ये जो आने वाले समय में है, इस एरिया का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त विकास होगा। अभी आपको सभी को ध्यान होगा कि किस हिसाब से कांग्रेस जो है, उनको पता लग गया कि उनकी जो जड़ें हैं वो छूट चुकी हैं, निकल चुकी हैं। वो जातिवाद का जहर जो है अलग अलग जगह पे घोलने का कोशिश कर रही हैं, समाज को तोड़ने का कोशिश कर रही हैं, राष्ट्रहित के अगेंस्ट में काम कर रही हैं, प्रांत के अगेंस्ट में काम कर रही हैं, लेकिन आम जनता इसको भली भांति समझती है। अब कांग्रेस की ये चाल जो है बड़ी लंबी नहीं चलेगी। और विकास के मामले में हम देखें, हमारे अगर पिछले 4 साल जो हमारे, चाहे राजस्थान सरकार में हो चाहे केंद्र सरकार में हो, अगर हम देखें कि जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हुआ है
आप एक सारणी बना के देखें, कंपेरेटिव चार्ट बना के देखें, तो पाएंगे कि जो विकास का पैसा पहले लगा था चार साल के पहले, उससे कई गुना ज्यादा जो है वो विकास के काम हुआ है और हो रहे हैं। और ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं गांव में जो आज तक हमने नहीं देखे। अगर गौरवपथ को ले लीजिए, ऐसी सड़कें जो गांव में आज 70 साल के बाद में पहली बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में एक गौरवपथ का निर्णय जो है अपने आप में एक ग्रामीण इलाके के लिए, विकास के लिए बहुत बड़ी बात है। यही नहीं, बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे मुख्यमंत्री जी की जो आम जनता को, जो समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसको ध्यान में रख करके ली गई है। और इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री जी की जो योजना है वो समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसको ध्यान में रख करके ली गई है। हम अगर देखें इन योजनाओं को, हम देश को विकास तभी संभव होगा जब हम ये संकल्प लें और संकल्प में एक मिशन मोड के रूप में दिलाएं चले, तब कहीं काम बनेगा। जैसे गांधी जी ने 1942 में एक संकल्प लिया था देश को आजाद कराने का, उस संकल्प में सिर्फ गांधी जी और कुछ चंद लोग ही नहीं थे, पूरा देश, पूरा जनमानस उनके साथ था। तभी जाकर के हमें 1947 में उस संकल्प सिद्धि के रूप में, आजादी के रूप में हमें मिला। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प 2017 में लिया एक नए भारत का, ऐसा भारत जो जातिवाद से मुक्त हो, ऐसा भारत जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, ऐसा भारत जो संप्रदायवाद से मुक्त हो, ऐसा भारत जो स्वच्छ और स्वस्थ हो। तो इस तरह का संकल्प है, इस संकल्प में जनमानस का सहयोग होगा, एक मिशन के रूप में अगर चलेगा तो संकल्प जो है हम एक नए भारत 2022 में स्थापित करने में सक्षम होंगे। और यही नहीं, आज हम देखते हैं कि जो वर्क कल्चर है, एक हम पहले देख रहे थे कांग्रेस के राज में जो जनप्रतिनिधि से एक अपेक्षा कम होती थी, आज जनप्रतिनिधि से अपेक्षा ज्यादा है, क्योंकि अपेक्षा उससे ही होती है जो काम करता है, जो काम नहीं करता है उससे अपेक्षा कभी नहीं होती है। अपेक्षा ज्यादा होना ये शुभ संचेत है, संकेतक है, और इसमें हम सभी लोग इस बात के लिए खुश हैं। आज आपका जनप्रतिनिधि चाहे केंद्र में मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे सरकार में, राजस्थान सरकार में मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे किसी तरह का जनप्रतिनिधि हो, वो हमेशा उसको ये ललक रहती है कि मेरे क्षेत्र में मैं ज्यादा से ज्यादा काम करवा लूं। ये हमें पहली बार देखने को मिल रहा है, और ये वर्क कल्चर जो हमें मिला है हमारे प्रधानमंत्री जी से मिला है, जो स्वयं 24 घंटों में से 16 से 18 घंटे काम करते हैं। और इसी वजह से आज पूरे आने वाला समय जो है हम नया भारत बनाने में सक्षम होंगे। इतना ही कहकर के मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार जयकारा वापस कर दीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके, और जोरदार आवाज निकलनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।